कैरेक्टर है मारवी मेरे लिए, और मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए. लाइक मैंने रियली बहुत मेहनत की है. मैं इतनी खुश हूँ और इतनी मुतमईन हूँ कि मैंने थ्रू आउट रिहर्सल्स, मैं ये नहीं चाहती थी कि अगर मेरी परफॉर्मेंस बुरी जाए या कोई भी गलती हो मुझसे. यार मैं उस दिन नहीं गई थी तो मैंने टाइम अपना वेस्ट किया. सो जिस दिन से हमने रिहर्सल शुरू की है, मैं ना अपने दोस्तों से मिली हूँ, ना मैंने घर में टाइम दिया है. मैं यहाँ आती थी सुबह से शाम तक, मैं यहीं रहती थी. समझ लें मैंने बिस्तर डाल लिया था नापा में अपना. बट आई थिंक दैट पेज ऑफ बिकॉज यू सॉर्ट ऑफ स्टे इन द जोन. इवन जब दूसरे लोगों की रिहर्सल हो रही होती थी, आई यूज़ टू जस्ट सिट एंड वॉच, क्योंकि उनको देख के भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और उनको देख के मुझे स्टोरी की समझ आने लगती थी कि कौन क्या कर रहा है. सो मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए एंड आई एम सो ग्लैड कि आपको अच्छा लगा. बिल्कुल यकीनन होना चाहिए और हर तरह की कहानियों पे होना चाहिए. और ये तो लिखने वाले की चॉइस होती है ना कि वो किस सब्जेक्ट पे लिख रहा है, किस चीज़ कौन सी चीज़ है जो उसके दिल के करीब है. जो चीज़ दिल के करीब ना हो उसके बारे में बात की जाए तो फिर वो झूठी भी लगती है. तो वो ये है. मेरे ख्याल में हमारे यहाँ उमूमन हमारी अपनी रिवायती कहानियों से हमें बहुत दूर किया गया है. तो हमें ज़रूरत है अपनी रिवायती कहानियों के करीब जाने की वापस. और ये ज़रूरी नहीं है कि उन रिवायती कहानियों को हम जदीद दौर में सेट करके ही लोगों के करीब लेकर आएँ. मेरे ख्याल में वो रिवायती कहानियाँ ज़िंदा हैं और उनको अगर हम पेश करें लोगों को तो वो लोगों को बहुत पसंद आएंगी. मेरा बहुत गहरा 100% यकीन है इस बात का कि हम अपनी रिवायतों से, अपनी जड़ों से जितना ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें, अपनी मिट्टी से जितना जुड़ने की कोशिश करें, वो हमारा फ़ायदा रहेगा. हमें जो कॉलोनियल हैंगओवर है उससे उसको उतार देना चाहिए अब. और अंग्रेज़ों का जो अपने सर पे बोझ डाला हुआ है हमने कि हर चीज़ जो है वो हमारा क़िबला उधर ही है, उसको हमें दुरुस्त कर लेना चाहिए. जब भी कोई हमारा पानी या हमारी जमीन की करने को आएगा चोरी, तो उसका रास्ता रोकेगी हमारे सिंधु की बेटी. तेरे अपने ही तुझे कच्चा खा जाएंगे. मुझे डर लग रहा है. किससे? गांव वालों से, खुद से. अगर मैं अपने साथ साथ सबको लेकर डूब गई तो? अब ऐसे सवाल का वक्त नहीं है तेरे पास मान. और याद रख मेरी बेटी, हमारा दरिया हमारे साथ है. जब वो बोट
ट्रस्ट कॉर्पोरेशन इसमें हिस्सेदार है। देखिए बहैसियत हिदायतकार तो मेरी अगर आप दिल की बात पूछें तो पहले शो यानी 8 बजे के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी कोई रूहानी वजूद तो हो सकता है मगर अब मेरा कोई तख्लीकी किरदार बचा नहीं रह गया। अब कैप्टन्स ऑफ द शिप जो हैं वो अदाकार हैं और वो इसको अपना चुके हैं, अब सब कुछ उनके हाथ में है तो अच्छा ही लगता है। और उलझन भी होती रहती है जब आप जाके देखते हैं, कभी आपको कुछ दिख रहा होता है कभी कुछ, फिर बाहर आप निकलते हैं
हैं और ऑडियंस से मिलते हैं वो कहते हैं इट वाज अमेजिंग, तो फिर थोड़ी देर के लिए दिमाग हैंग हो जाता है कि आपको जो नज़र आ रहा था वो ऑडियंस को दिखा या नहीं दिखा। तो एक ओरिजिनल प्ले को डायरेक्ट करने का जो तजर्बा है वो बहुत खूब है, फिर जिस टीम के साथ काम करने को मिला है वो बहुत खूब है, और फिर अरीब एक बहुत ज़बरदस्त नाम है पाकिस्तान का और काम भी उनके वैसे ही हैं, तो जनरली आई लव्ड इट। MSTV के जितने देखने वाले हैं और उसमें जितने लोग काम कर रहे हैं उसे बना रहे हैं उनके लिए मेरी नेक तमन्नाएं और उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपनी टीम भेजी और उन्होंने बहुत मोहब्बत से हमारे खेल को देखा और प्रमोट भी। प्ले नापा में देखने का इत्तेफाक हुआ और हमारी बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर कुलसुम आफ्तार ने डायरेक्ट किया। मारवी चूँकि स्टोरी हम जानते हैं कि सिंध की बेटी की एक कहानी है, पर अरीब अज़हर ने जिस तरह का प्ले लिखा, आज के ज़माने में उमर सुमरू का कैरेक्टर और मारवी के कैरेक्टर को कंटेम्प्राइज करके हमें जो सैलाब से रिलेटेड और ज़मीन से जुड़े रिलेटेड की जो कहानी है और उसके सोल की जो स्टोरी है वो जिस तरीके से थिएटर पे दिखाई गई, आई एम रियली वेरी मच इम्प्रेस्ड और बहुत ही अमेजिंग तरीके से स्टोरी दिखाई गई और कैरेक्टर्स के इमोशंस और शीमा किरमानी साहिबा की एक्टिंग, फवाद की एक्टिंग और नो डाउट मारवी का कैरेक्टर आमना इलियास जो सिंधी लड़की का उन्होंने कैरेक्टर किया, बहुत ही मज़ेदार, मुझे बहुत ही खुशी हुई और इस तरह के प्लेस बनने चाहिए।